नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे फोन पे की केवाईसी कैसे करें। फोन पे की केवाईसी करने से यह फायदा होगा कि आप फोन पे वैलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक के पैसे को फोन पे वैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और फोन पे केवाईसी करने से यह फायदा होगा कि आप फोन पे मनी ट्रांसफर की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। फोन पे केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन पे ऐप को ओपन कर लीजिए। फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे के साइड होम का ऑप्शन है, स्टोर्स, स्विच, माय मनी, हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर माय मनी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। माय मनी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देखिए यहाँ पर पेमेंट्स में बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो पे, फोन पे वैलेट। देखिए यहाँ पर फोन पे वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फोन पे वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर पैन कार्ड को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर कीजिए, यहाँ पर पैन होल्डर नेम एंटर कीजिए। डॉक्यूमेंट की सारे डिटेल्स को एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोन पे की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने फ़ोन पे की केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।